कुत्ते का कहर लहू लुहान किते कई लोग। सीसीटीवी च कैद हुई दर्दनाक घटना। यमुनानगर तो एक सीसीटीवी सामने आया जिन्ने सबनों हिला के रख दिता है। जी हाँ, इतने कुत्ते का कहर देखने मिल रहा है, जिस विच दो स्कूली बच्चे, एक ऑटो चालक ते एक महिला जख्मी हो गए ने। हालांकि लोगों के वलों मौके पर पहुँच के बचाने की कोशिश की गई है, पर देखा जाए तो कोई ये पहला मामला नहीं है। अक्सर ही अजिहे मामले सामने आते रहते हैं, कि पिटबुल का कहर देखने मिल रहा है, कि जड़े ने आवारा कुत्ते लोगों दबोच रहे ने, उन्होंने नोच नोच के खा रहे ने। तस्वीर बहुत दर्दनाक। हालांकि मौके पर पुलिस प्रशासन पहुंचे है, कि कुछ उन्होंने वालों कहना है वह भी सुन लें, पर कि ना कि चर्चा का विषय है, क्योंकि लोग जड़े ने बहुत परेशान हो चुके हैं इन्हों कुत्तों तो। कि कुछ इस पूरी वीडियो दे विच एक बार दोबारा तो सुन लो। मैं बच्चे लेके आ रहा था जी, अपना पानी वाली टंकी है ना आरटी के बैक साइड से, जैसे ही मैंने गाड़ी मोड़ी तो मेरे पीछे ये कुत्ता लग गया। बड़ा हमने इसको मतलब कि डराया धमकाया, पर ये नहीं माना। उसके बाद सारे कुत्ते आपस में इकट्ठे हो गए, इसको भगाने लगे। तो मेरी गाड़ी थी, मैं कहा हट देगा हट देगा हट देगा। फिर मैंने गाड़ी लेके ये मोड़ पे आ गई, यहाँ पे भी एक पहले दूसरे किसी और आदमी को काटने लगा, उन्हें चप्पल से भगा दिया, मैंने भी चप्पल से भगा दी, भगाने की कोशिश करी। मतलब कि गाड़ी थी इतनी भी नहीं रुकता, क्योंकि बच्चे यहाँ किसी में रोक रहे। फिर यहाँ आके मैंने उसने मेरे को पकड़ ही लिया। कितने लोगों को काटा है ये? मेरे को एक मेरे को काटा जी, एक वो लेडीज को काटा है, दो बच्चे थे इनके साथ में मेरे रिश्तेदारों के। मैं कहा भाई शायद, फिर मैं होली मदर स्कूल में एम्बुलेंस पे फ़ोन किया, आई मेरे को सिविल हॉस्पिटल में ले जाया गया, उन्होंने इंजेक्शन इंजेक्शन लगाए मेरे, सब कुछ किया। फिर पिटबुल है, मुझे फ़ोन आया था कि यहाँ पे एक पिटबुल ब्रीड का डॉग है जो जिसने एक किसी को काट लिया है, तो उसके लिए आए थे हम यहाँ पे। तो यहाँ पे आके देखा कि इसको हमने अब कंट्रोल करके जैलाजिन इंजेक्शन लगाया है, जिससे अब ये 5-10 मिनट में बेहोश हो जाएगा, फिर इसको सेफ जगह पे ले जाएंगे। अपना कंट्रोल से सूचना मिली भी कांसापुर में एक अपना डॉग है, अपना पिटबुल नस्ल का है, उसने 3-4 व्यक्तियों को काट लिया है। जिस सूचना पे हम यहाँ आए थे, यहाँ लोगों के सहयोग से एक इसको अपना डिटेन कर रखा है अपना थ्री व्हीलर में, और हेल्थ विभाग की टीम ने अभी इसको अपना इंजेक्शन लगा दिया है। थोड़ी देर के बाद ये बेहोश हो जाएगा, फिर अपना निश्चित स्थान पे इसको अपना वहाँ अपना दाखिल करवा देंगे। किसका डॉग है? नहीं, अभी तक किसी ने नहीं बताया, पब्लिक भी आसपास है बहुत है, लेकिन किसी ने बताया नहीं भी है किसका डॉग है।